दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कॉन्सेंट्रेट विदाउट मोटिवेशन। मतलब हम कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ पे या किसी भी चीज़ के बिना मोटिवेशन के, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन एक एलोपैथिक मेडिसिन की तरह हो गया है। एलोपैथिक मेडिसिन की तरह मोटिवेशन हो गया है। जैसी प्रॉब्लम होती है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी है, टॉक पढ़ी, फिर ठीक। कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन है, कोई प्रॉब्लम है, फिर मोटिवेशन की कोई वीडियो देखी, फिर ठीक। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में होता है ना, कोई प्रॉब्लम हुई, दर्द हुआ, गोली खाओ, ठीक। फिर दर्द हुआ, फिर गोली खाओ, ठीक। जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि आयुर्वेदा की तरह होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा का प्रिंसिपल क्या है कि आप एक बार अपनी बॉडी को इतने अच्छे तरीके से अंदर से ठीक कर लो कि फिर आपको गोली खाने की जरूरत ही ना पड़े। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी ही टिप्स बताने वाला हूँ, 10 ऐसे टिप जिनकी हेल्प से आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी और आप किसी भी चीज़ पर इजिली कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और ये जो टिप्स हैं, ये काफ़ी अच्छे लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने किस तरीके से इन सिचुएशंस को टैकल किया, उन्होंने यहाँ पे ये टिप्स शेयर किए हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूँ हर्षित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट हमारी मिलती रहे। दोस्तों, जो हमारी नंबर वन टिप है वो है दिमाग को खाली रखो और फोकस करो। जी हाँ दोस्तों, दिमाग को खाली रखो और फोकस करो। चाहे आप पढ़ाई करते हों, चाहे आप कोई स्पोर्ट खेलते हों, चाहे आप बिजनेस करते हों, जॉब करते हों, वॉट एवर यू आर डूइंग, कंसंट्रेशन पावर इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, अगर आप अपने दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई थॉट चलता रहता है, दिमाग खाली नहीं है, तो आप कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, आप खुद सोचो। अब मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं, आप अगर 15 मिनट के लिए भी पढ़ने बैठे हैं और आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट चले जा रही है, तो पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। भले ही आपके सामने किताब रखी है, कॉपी रखी है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे जब तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, जब तक कि आप अपने दिमाग को खाली नहीं रखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप अपने दिमाग को खाली रखिए और फोकस कीजिए, तभी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ पाएंगे। और अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि जैसे ही आपको लगता है कि हाँ मेरे दिमाग में विचार चल रहा है, थोड़ा शांत कीजिए, बस सिंपल बोलना है, देखता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सिंपल आपको ये बोलना है, देखता हूँ या देखती हूँ, वॉट एवर इट इज़, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और जैसे ही आप ये कहेंगे, एकदम से आप देखेंगे कि आपके दिमाग के जो थॉट हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आप जो अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह, वो आपको दोबारा से शुरू कर देनी है। तो देखिए, एक बारी में ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते जाएंगे, धीरे धीरे करते ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने जो दिमाग है उसको खाली रख पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी आगे तक सुनते जाइए ध्यान से और इसकी हेल्प से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती जाएंगी। सेकेंड जो गाइस टिप है वो है, जितना पढ़ो ध्यान से पढ़ो। ठीक है दोस्तों, जितना भी आप पढ़ो वो ध्यान से पढ़ो। चाहे आप एक पेज पढ़ो, एक पेज छोड़ो, आप सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पढ़ने की आदत होती नहीं और हम अपने लिए जिस दिन पढ़ने बैठते हैं बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, दिमाग के अंदर एक जल्दबाजी होती है कि यार इतना पढ़ना है तो फटाफट पढ़ ले। तो दिमाग क्या करता है, हम फिर जल्दी पढ़ते जाते हैं और उसे ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए हमें वो चीज़ याद नहीं रहती और फिर हमें लगता है कि यार हमारी कंसंट्रेशन पावर वीक है और फिर डीमोटिवेशन होने लगता है और फिर हम मोटिवेशनल वीडियो देखने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, छोटा सा एक पहले टारगेट सेट करो अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है। धीरे धीरे आप अपना बढ़ाते जाओगे टारगेट, लेकिन स्टार्टिंग में मान लो आप पहले कहते थे कि मैं 4 पेज पढ़ूंगा, तो आप सिंपली ये कहो मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और मुझे यही पढ़ना है इन अगली 15-20 मिनट में, और पूरे ध्यान से उस पैराग्राफ को पढ़ो जब तक कि आपको बिल्कुल उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बैठ नहीं जाती। गाइस, सेकंड टिप है, जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो वो ध्यान से पढ़ो। इसके बाद गाइस जो हमारी थर्ड टिप है वो है, टेक ब्रेक्स बिटवीन स्टडी। आप जब भी पढ़ाई करें उसके बीच में ब्रेक जरूर लें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मैं तो बहुत ब्रेक लेता हूँ, बल्कि कुछ लोग तो कहेंगे मैं तो ब्रेक ज़्यादा लेता हूँ, पढ़ता कम हूँ। ये भी बहुत सारे लोगों की सिचुएशन है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेक्स लेते हैं, रेगुलर पढ़ाई के बीच में आपको ब्रेक लेने ज़रूरी हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, टाइम पे आप ब्रेक लेते रहें बीच में। आप सिंपली क्या करें, मान लीजिए आपको भी लगता है कि मैं 20 मिनट भी मुश्किल से पढ़ पाता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपने आप से ये सेट कीजिए टारगेट कि मैं सिर्फ 10 या 15 मिनट ही पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं तो 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं 10 ही मिनट मेरी कंसंट्रेशन पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट आप आज पढ़ रहे हैं, 10 मिनट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही फिर 10 मिनट पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए छोटा सा।
5 मिनट हटिए, फिर 10 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट हटिए, फिर 10 मिनट पढ़िए, ऐसे कर करके आप जब आप करेंगे, फिर अगले दिन आप क्या करिए, 10 से थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दो, फिर 15 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 15 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद या नेक्स्ट डे आप फिर बढ़ा दो, फिर आप क्या करो 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, तो ऐसे कर करके अपने टाइम को बढ़ाते जाओ। और एक बारी में मैक्सिमम एक शॉट का जो टाइम रखो वो रखो आप 40 मिनट, 40 मिनट से ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि उसके बाद एक तरह से हमारा साइंटिफिकली रिसर्चेस के हिसाब से 40 मिनट एक बारी में पढ़ना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन अपने आप ही डाउन होने लगती है। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरीके से पढ़ना है। आप मान लीजिए आप 40 मिनट पढ़ते हैं, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 40 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, तो ये है सही तरीका। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है ईट हेल्दी। अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा जब आपके पढ़ाई का टाइम हो, एग्जाम टाइम हो, स्टडी टाइम थोड़ा ज़्यादा स्टडी वाला टाइम चल रहा हो, तो हेल्दी फूड ज़्यादा लें, उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जो भी डीप फ्राइड और ऑयली फूड है उसको कम रखें, ठीक है। ईट लेस ऑयली फूड। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, उसका कारण आपको बताता हूँ। देखिए जितना ज़्यादा आप ऑयली फूड खाएंगे ना, उतनी ज़्यादा लेबोरियसनेस से आपको फील होगी, उतना ज़्यादा आपको नींद सी आएगी, और जितना आप कम ऑयल का फूड खाएंगे उतनी आप आलस से आपको कम आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा सही फूड लेते हैं, फ्रूट वगैरह सही से लेते हैं, कच्ची सब्जियाँ लेते हैं, सलाद वगैरह, तो उससे थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में एक पुश मिलेगा, और ये आप कर भी सकते हैं। आप जानते हैं कैसे करना है, वो आप जाने, लेकिन कर सकते हैं आप। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, फूड अपना सही रखें, स्पेशली एग्जाम टाइम में जब आपको स्टडी ज़्यादा करनी हो। उसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है ड्रिंक वाटर प्रॉपरली। अब ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रिंक वाटर प्रॉपरली, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं। रिसर्चेज ये बताती हैं कि आप पढ़ाई करते हुए अगर पानी पीते रहें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए पानी के अंदर हर चीज़ है, हर चीज़ आप पानी के अंदर है, तो वो आपको टाइम टाइम पर आपके अंदर जाते रहना चाहिए। अब आयुर्वेद के हिसाब से पानी कैसे पीना चाहिए वो आप समझ लीजिए। लोग क्या करते हैं, बोतल ली बाहर से आए और पानी गड़गड़ कर करके पी गए उसको पूरा, वो बिल्कुल ही गलत है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप क्या करिए, अपने पास में एक बोतल रख लीजिए, या तो या फिर कोई भी बर्तन वगैरह जिसमें आप रख सकते हो पानी, अपना भर के रख लीजिए, और जैसे जैसे आप पढ़ते रहें, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं 10-15 मिनट पढ़ा और उसके बाद एक घूंट पानी पी लिया, और थोड़ी देर उस पानी को मुंह में रखा 10-15 सेकंड तक, और उसके बाद उसको पी गए, मतलब घूंट घूंट करके पानी पीना है, फिर 10-15 मिनट पड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पी लिया, ऐसे कर करके, मतलब चाय कॉफ़ी जैसे पीते हैं इस तरह से आपको पानी पीना है, सिप सिप करके, घूंट घूंट करके। उससे क्या होगा, उससे ये होगा आपके जो मुंह की लार है, जो सलाइवा है, वो उसमें मिलके अंदर जाएगा, और अंदर जाने से वो आपको फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगा। उस पानी से आपको बहुत बेनिफिट होंगे, आपकी डिजीजेज भी खत्म होगी, और साथ में आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर में भी वो पानी यकीनन काम करेगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, करके देखिए। इसके बाद गाइस जो हमारे नेक्स्ट टिप है वो है यूज टी एंड कॉफी टू स्टडी मोर। अब देखिए टी एंड कॉफी नॉर्मली आप लेते हैं, चाय कॉफी आप पीते ही हैं, लेकिन कम पीनी चाहिए वैसे नॉर्मली, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो, आप इंटेंस स्टडी कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको इसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका बेसिकली होता क्या है, जब आप चाय कॉफी लेते हैं तो थोड़ा सा ये है कि इसमें कैफीन होता है, आपको पता है कैफीन का फंक्शन ये है, वो सीधा माइंड पे स्ट्राइक करता है और क्विकली थोड़ी सी कंसंट्रेशन पावर्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। मतलब एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करने में हेल्प करता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को एक जगा देता है। मतलब रात में भी अगर आप चाय कॉफ़ी पी लें तो आप नींद उड़ सी जाती है, क्योंकि कैफीन एकदम से एग्रीगेट करता है अंदर से जाके, तो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है वो, तो उससे बेसिकली होता क्या है कि हमारी नींद सी हट जाती है, आलस से जो होता है वो दूर हो जाता है। तो जब आप मान लीजिए लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको 4-6 घंटे हो गए हैं, ज़्यादा ही आपको इंटेंस स्टडी चल रही है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो इन दैट केस आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये टिप आपके काम आएगी। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है चूज़ राइट स्पॉट। ठीक है, अब आपको पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही स्पॉट आपको चूज़ करना है, या फिर जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उसके लिए सही स्पॉट आपको चूज़ करना है, जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बने। क्योंकि देखिए आमतौर पर होता क्या है कि सभी लोग जो हैं बेड पे लेट के पढ़ने लगते हैं, सोफे पे या कहीं भी नीचे वीचे कहीं भी बैठ के पढ़ने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कीजिए, पढ़िए तो कहीं भी बैठ के, लेकिन एक अपनी पढ़ाई के लिए अलग से एक जगह सेट कर लीजिए कि मुझे यहाँ पढ़ना है तो पढ़ना ही है। पता क्या चल रहा है, वहीं खाना चल रहा है, वहीं लोग गेम खेल रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं,
वहीं सो रहे हैं, तो ऐसे में होता क्या है ना, मान लीजिए आप बेड पे बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इन दैट केस होगा क्या ना, दिमाग में वही सिग्नल जाएगा कि यार बेड तो सोने के लिए, बेड तो सोने के लिए, धीरे धीरे करके आपको नींद सी आने लगेगी और वही चीज़ें मतलब सेट हो जाती हैं। अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, एक अपना स्पॉट अलग सेट कर लीजिए, अपनी कोई टेबल या फिर नीचे या कहीं भी जहाँ आपको सही लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठ के आपको सिर्फ पढ़ना ही है। बेस्ट है कि आप अपनी एक टेबल और चेयर अलग कॉर्नर में सेट कर लें कि यहाँ बैठ के मुझे पढ़ना ही है, यहाँ मैं ना लैपटॉप चलाऊँगा, ना मैं कुछ और काम करूँगा, ना खाऊंगा, ना लेटूंगा, सिर्फ मुझे पढ़ना है। और वहीं आप अपनी थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह रख के, पेन पेंसिल रख के, जिनसे आपको बीच में बार बार उठना भी ना पड़े और कोई डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। तो यकीन मानिएगा ये टिप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और इससे कॉन्सेंट्रेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने में। इसके बाद गाइज जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है यूज़ शॉर्ट नोट्स। अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। अब देखिए आमतौर पे होता क्या है, जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारे सामने इतने मोटे मोटे नोट्स होते हैं, इतने ज़्यादा सिलेबस होता है कि दिमाग पहले ही डर जाता है और वो हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में सही से नहीं पढ़ा जाता, तो हमें लगता है फिर वही कंसंट्रेशन पावर हमारी बेकार है, हम तो पढ़ नहीं पा रहे, ये वो फालतू की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। देखिए ऐसे में इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आप पहले से ही अपना जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उन मान लीजिए आपके स्कूल के या कॉलेज के जहाँ के भी नोट्स हैं आपके पास कोई, उनमें से भी आप अपनी एक अलग कॉपी बनाएं और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो जो चीज़ बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखी है उसको शॉर्ट करके, सिंपल करके, लैंग्वेज में एक एक लाइन में, दो दो लाइन में ऐसे लिखें कि आप जो है जब आपके एग्ज़ाम हो तो उस टाइम आप सिर्फ उसको ही पढ़ें और उससे आपको सब चीज़ें जल्दी जल्दी याद हो जाएं। अब देखिए ये अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाने हैं, हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, वो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये करना होगा, यकीन मानिए जब आपके पास अपने नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि आपने खुद ने बनाए होंगे, तो आप बहुत ही जल्दी से चीज़ों को याद कर पाएंगे और आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। और यकीन मानिए काम करता है, मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट जो हमारे टिप है वो है मेडिटेशन इज़ ब्रिलियंट फॉर इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन। अब गाइज देखिए मानिए या ना मानिए, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, ये भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था और मैंने आपको पहले भी कई बार इस चीज़ को बताया है कि अगर आप डेली ज़्यादा भी नहीं 5 मिनट से भी शुरुआत करें, थोड़ी देर बस आप आँख बंद करके बैठ जाएँ कहीं बंद अंधेरे कमरे में या फिर मतलब कहीं भी आप अगर थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकें, जिस भी तरह से आप करें, अपना शांति से बस बैठ जाएं और दिमाग के जो थॉट्स हैं उनको बिल्कुल शून्य कर दें, ख़त्म कर दें। अब ये करना कैसे है, अगर आप शांति से एक जगह बैठेंगे और कान में ईयर प्लग्स लगा लेंगे, स्टार्टिंग में यही करना होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, बाहर की चीज़ों पर ध्यान न लगा के, अपने थॉट्स पर ध्यान लगा के आपके जो हार्ट बीट है, आपकी जो सांसें हैं उनको सुनना है। आप पहले सांसों को सुनेंगे, फिर धीरे धीरे करके हार्ट बीट सुनाई देने लगेंगी, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिलैक्स मिलता है। यकीन मानिए गाइज अगर आपके पढ़ के पूरे दिन सिर में भी दर्द हो रहा हो ना, तो सिर्फ अगर 5 मिनट भी आप ये मेडिटेशन कर लो तो यकीनन बहुत ही अच्छा रिलैक्स लगता है, बहुत ही अच्छा मूड हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसके बाद गाइज फाइनली हमारी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप है वो है हैव प्रॉपर स्लीप। अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं एग्जाम टाइम में या नॉर्मली स्लीप को अवॉइड करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्लीप अवॉइड नहीं करनी है, प्रॉपर स्लीप लीजिए। अब स्लीप के बारे में बहुत से लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं, कितने घंटे सोऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। मैं एक सिंपल सी चीज़ कहता हूं, अब अपने हिसाब से देखिए कि मेरा शरीर कितने घंटे की नींद के बाद एकदम फ्रेश फील करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 8 घंटे से कम सोता हूँ तो मुझे पूरे दिन मतलब नींद सी आती रहती है, आलस सा आता रहता है, तो मेरे लिए कम से कम 8 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब वो हो सकता है आपके लिए 6 घंटे हो सकता है आपके लिए 7 घंटे हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी मतलब ज़्यादा भी हो, तो ये डिपेंड करता है। अब बहुत से लोग कहेंगे जी मेरे तो 12 घंटे हैं, ये देखिए ये झूठ वाली बात है, आपको भी पता है मजाक की बात है, 12 घंटे नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी भी एक लिमिट होती है, 8-9 घंटे के बाद आपको नहीं सोना चाहिए, इसके बाद आप सोते हैं तो उसके नुकसान भी हैं अपने। तो मैक्सिमम मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देखिए, नॉर्मली वैसे 6-7 से लेकर के 9 घंटे के बीच में अगर हो तो एकदम परफेक्ट आइडियल केस होता है, और नॉर्मली 8 घंटे के आसपास ही होती हो, मेरी तो 8 घंटे ही। आपकी कितनी स्लीप है यहाँ पे जिसके बाद आपको रिलैक्स फील होता है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपकी कितने घंटे की है। तो बस दोस्तों यही थे कुछ कमाल की टिप्स जिनकी हेल्प से आप जो हैं कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे विदाउट मोटिवेशन।